हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए मेरे प्रियजनों। यदि आप परेशान हैं, लाचार हैं, दुख में, तकलीफ में, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं मेरे प्रियजनों, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आज आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना है और लास्ट में आमीन लेकर रिसीव करना मेरे प्रियजनों। यदि आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बिलख रहे हो, टूट चुके हो, निराश हो, हताश हो, परेशान हो मेरे प्रियजनों, आज मैं आपसे बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इस प्रार्थना को शुरू से देख लेना, लास्ट तक देख लेना और आमीन बोल के रिसीव करना मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या जरूरतें हैं मेरे प्रियजनों। हम सभी को किसी इंसान पर विश्वास नहीं करना, परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है उस पर विश्वास करता है मेरे प्रियजनों। हमें किसी इंसान का, मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे प्रियजनों, सीधा मार्ग। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, दूध पिलाती हुई माँ अपने पुत्र को छोड़ सकती है, भूल सकती है मेरे प्रियजनों, मगर यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी अनाथ न त्यागूंगा, कभी न छोड़ूंगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरा नाम, तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है, खोद कर बनाया है मेरे प्रियजनों। तो आप क्यों चिंता करते हो, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों परेशान हो मेरे प्रियजनों? आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। आपके जीवन में जो दुष्ट के बंधन है, जो जादू टोना के बंधन है, हर एक तरह के बंधन है, आज यीशु मसीह के नाम में टूट जाएंगे मेरे प्रियजनों। हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ बोलना है, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आज संकट में हो या संकेत में जकड़े हो, तो आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, लिखित वचनों के साथ आपको अंगीकार करना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, मिराकल करेगा, मिराकल अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजनों, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, यदि आप काम के सिलसिले में हो फिर भी काम नहीं मिल रहा है मेरे प्रियजनों, यदि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है, आज आपको विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनना है और सुनकर आमीन बोल के रिसीव करना है। क्योंकि जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह का वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे प्रियजनों, हमें मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। यदि आप मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, खटखटा रहे हो, तो परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियजनों, आप क्यों डरते हो? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लिखित वचन है, इन लिखित वचनों के साथ आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रियजनों और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, चमत्कार। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं और आमीन बोल के रिसीव करना। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते, पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट, मेरे प्रभु जी, हम विनती करते, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम उन मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पर पिताजी, जो परेशान है, जो दुख में है, तकलीफ में, रो रहे, चिल्ला रहे, बिलख रहे परमेश्वर, जो निराशा में, उदासी में, बेचैनी में चले गए हैं, डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आज यीशु नासरी के नाम में इनका रोना, बिलखना, चिल्लाना बंद हो जाए, बंद हो जाए सुमस्ती के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे परमेश्वर, असंभव को संभव करने लगे यहोवा जुलावर पिता, जो इंसान से नहीं हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है प्रभु जी, आपसे हो सकता है पिताजी, आपसे हो सकता है यीशु के नाम में। मेरे पिता, इनकी सारी समस्याएं, सारी परिस्थितियां, टेढ़े मार्ग सीधे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, टेढ़े मार्ग सीधे,
हो जाए। ने कई सारे गिल्टिया रसोलिया पथरिया ट्यूमर है पिताजी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, खाट पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे पिता, ये अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे पिता, इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं पिताजी। आपने कहा मैं सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु इनकी सारी समस्याएं पथरिया गिल्टिया रसोलिया ट्यूमर यीशु नासरी के नाम में निकल जाए, आउट हो जाए सुमसी के नाम में, आउट हो जाए सुमसी के नाम में, आउट हो जाए सुमसी के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप पवित्र हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से आप पवित्र हैं मेरे पिता, उसी प्रकार से हम सभी को भी पवित्र बनाइए मेरे परमेश्वर। जो हम सभी मसीह भाइयों से पाप गलती गुनाह अपराध हुए परमेश्वर, आप माफ करें पिता, आप क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता कि आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए परमेश्वर। हम मानव जाते हैं पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वो पापों में, गुनाहों में, व्यभिचार में गिर सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है। मेरे पिता आप इनके गुनाहों को क्षमा करें पिता, आपका जिंदा लहू छूने पाए, आपके लहू से ये पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जिन बहनों बहनों की कोखें बंद पड़ी पिता, ने 2 साल से 10 साल से 20 साल से 30 साल से कोई बच्चे की आशीष नहीं मिले मेरे पिता, हम घोषणा करते हैं चंगाई की मेरे पिताजी, उस स्वर्गीय बच्चे की आशीष रिलीज होने पाए, बच्चे की आशीष होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो अंधकार की सेनाएं, जो अंधकार की दुष्ट आत्माएं, जो अंधकार की गंदी आत्माएं हैं, यीशु नासरी के नाम में इनके शरीर को छोड़ें और दूर स्थानों में जाएं, निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिताजी आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, जय जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए पिता, उनके जीवन में गवाहियां बनाइए, गवाही आने पाए, गवाही बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जिन घर में दुष्ट आत्माओं के बंधन है, हर एक जादू टोना के, कराधरा के, तंत्र मंत्र के बंधन है यीशु के नाम में, हर प्रकार के बंधन, शैतानी बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, आउट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और ये आजाद होने पाए, इनका घराना आशीषित होने पाए। जो आमीन बोल के रिसीव करें, जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ, बोल क्रामीन रिसीव कर, बोल क्रामीन आजाद हो जाओ, बोल क्रामीन चंगे हो जाओ, हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए फिर शरीर से, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप पवित्र हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस योग्य बनाइए पिताजी ताकि हम सभी आपके स्वर्ग में आपके लायक, आपके सामने खड़ने के योग्य बन सके मेरे पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो 100-200 रुपये पर, 1000 रुपये पर अन्य जातियों से सहायता ले रहे, मदद ले रहे, उधार ले रहे पिताजी, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे प्रभु। आप इनका जीवन संभालिए, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए, इनकी गरीबी जाए, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए, स्वर्ग के आशीषों के झरोखे खुल जाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, ढूंढते, खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता। इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए पिता। ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु नासरी के नाम में, ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने लिए बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो मसीह भवन रात में नहीं सो पाता है, जिन्हें डर लगता, भय लगता, प्रभु जी आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तो सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्राण को सुना है, ये छोटे से उद्धार करता यीशु नासरी के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिएगा और कबूल करेगा। आमीन।